जय हिंद एवरीवन भाई, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो ना? देखो यार, अगर सपना फौज का है ना तो गालियां तो सुनना पड़ेगा मेरे भाई। देखो मुझे भी गालियां सुनने को मिलता है, आपको भी गालियां सुनने को मिलेगा, और जितने भी भाई फौजी बन चुके हैं ना वो भी जब तैयारी करते थे तो उनको भी गालियां सुनने को मिलती थी। आप कुछ भी कर दोगे मतलब दुनिया हमेशा आपको गाली देते रहेगी, कभी आपके मोहल्ले वाले गाली देंगे सब, तो कभी आपके साथ जो लड़के रहते हैं सब ना, अगर उनके पास कोई बाहरी लड़का आपके बारे में मतलब कुछ बोलने लगेगा तो वो बोलेगा कि यार हमारे साथी तो रहता है, उसको कुछ नहीं आता है, साला ऐसा है वैसा है, मतलब उसको उस टाइम अंदर से जलन होने लगती है, तो गालियां सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सर है विशाल शर्मा सर, बहुत सारे भाई उनको जानते होंगे। देखो यार, मैं उनका वीडियो हमेशा देखते रहता हूँ और उनके वीडियो से इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। वो भी पहले वीडियो बनाया करते थे, अपना खेती बाड़ी किया करते थे, और वो भी एक गांव से थे, उनको भी बहुत सारे लोग गालियां देते थे, ये तो उनका वीडियो देखने से ही पता चल जाता है। उनको भी लोग ताना मारते थे, बोली मारते थे कि फौजी नहीं बन पाएगा, सिर्फ वीडियो बनाता रह जाएगा। वो सर वीडियो बनाते रहे, अपना तैयारी करते रहे, और लास्ट में वो फौजी बन गए, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में वो फौजी बन चुके हैं। तो यार इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, ये सब सबके साथ होता है। और ये जो सर हैं, इनका नाम विशाल शर्मा, आर्मी मोटिवेशन के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। अगर आपको विश्वास नहीं ना होगा, अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना तो आप जाकर देखना उनका वीडियो, पुराना वीडियो देखना, जो शुरू शुरू में जब वो फौजी नहीं बने रहते हैं तब का वीडियो उनका देखना। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तब आप देखोगे ना तो आपके अंदर से यार मैं क्या बताऊँ। देखो वो ज़्यादा तेज तो नहीं बोलते हैं, मतलब नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका ही कुछ अलग रहता है यार, और अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना कि मैं क्या बताऊँगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, आप लोग जाकर देखना, ठीक है ना। और कभी ये नहीं सोचना, जितने भी भाई अगर वीडियो बनाते हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं, देखो मुझे भी कमेंट करते हैं, और वो जो सर हैं उनको भी कमेंट करते थे सब। और एक और है ये भाई नंदू ठाकुर, इनको भी बहुत सारे लोग मतलब गलत कमेंट किए होंगे सब। और एक जो है ना रेसर सैदूर, उसको तो यार हमेशा मतलब बहुत सारे लोग गलत कमेंट करते हैं, क्योंकि वो भाई अभी सक्सेसफुल नहीं ना हुआ है। तो जब तक सक्सेसफुल नहीं ना हुए, जब तक सक्सेसफुल नहीं हो गए ना, तब तक यार आपको गालियां सुनने को मिलेगी, कमेंट भी मिलेगा, मतलब मोहल्ले वाले कभी गाली देंगे, कभी आपके साथ का लड़का गाली देगा। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और तैयारी में लगे रहना है, ठीक है ना। और देखो यार, वो जो सर हैं विशाल शर्मा, आर्मी मोटिवेशन के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है, उनका वीडियो देखना और जितना हो सके उनको सपोर्ट करना यार, क्योंकि ऐसे सर को दिल से मैं मतलब सपोर्ट करता हूँ, और सर को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है ना। हमेशा उनका वीडियो देखते रहता हूँ, जब टिकटॉक चलता था तब मैं वीडियो नहीं बनाता था तभी भी उनका वीडियो देखता था, और जब मैं वीडियो जब से बनाता हूँ तभी भी उनका वीडियो देखता हूँ। अरे अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल में ना, उनका वीडियो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। देखो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो मैं उनका डाउनलोड करके रखा हूँ। देखो यहाँ नीचे देखो लाइन से उनका वीडियो दिख जाएगा, तो नेट नहीं रहता था ना तो मैं उनका वीडियो डाउनलोड कर लेता था। बड़े भाई, किसी की मेहनत देख कर ना जलना मत यार, बिल्कुल ना जलना यार, क्योंकि यार जितना तुम जलोगे ना तुम अंदर से कितने भूखोगे यार। तो ऐसे वीडियो बनाते हैं यार, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, आप लोग को पसंद आएगा, ठीक है ना, जाकर देखना। चलो ठीक है, जय हिंद। और जितने भी भाई वीडियो बनाते हो, तैयारी करते हो, तो लोगों की बात नहीं सुनना, आपको डिमोटिवेट करने के लिए हजारों मिलेंगे, और कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लगे रहो, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है ना, इसलिए लगे रहना। चलो ठीक है,